नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। लौर थाना अंतर्गत 19 साल की लड़की को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी लौर पुलिस ने पकड़ा, न्यायालय में पेश किया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया। जिले के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत युवती को धमकी देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवती की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल। रीवा जिले में इन दिनों महिला अपराधों को लेकर बाढ़ सी आई हुई है। पिछले 48 घंटे में दो मामले सामने आए, जिसमें एक में उम्र 11 साल, दूसरे में 19 साल। दोनों ही मामले बेहतर बात यह रही, आरोपी दोनों ही मामलों में गिरफ्तार हो गए। इस बात की पुलिस को काफ़ी तरीके से मानना जाएगा कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों ही मामले में आरोपियों को पकड़ डाला। जहां युवती को धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात घटित हुई, वहीं 11 साल की लड़की को पहला फुसला कर। मिली जानकारी के अनुसार 19 साल की युवती को दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक व्यक्ति जो कि सूजी थाना लौर कर रहने वाला है, उसको हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जाने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसको न्यायालय में पेश किया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया। जिले में इस समय महिला अपराधों पर लोक नहीं लग पा रही, लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस भी उसी तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को भी पकड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, उसको देखकर साफ तौर से माना जा सकता है रीवा जिले में महिलाएं फिलहाल सुरक्षित नहीं। रीवा जिले में आए दिन छेड़छाड़, मारपीट, दुष्कर्म की घटनाएं जिस तरीके से घटित हो रही हैं, उसको देखकर साफ तौर से ऐसा कहा जा सकता है। एक तरफ राह चलते युवतियों के साथ छींटाकशी की जा रही है, तो दूसरी तरफ मौका पाते ही दुष्कर्म जैसी घृणित वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ये सब हो रहा है रीवा जिले में। वहीं रीवा DIG नवनीत भसीन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, आरोपी को तत्काल पुलिस ने पकड़ लिया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। हमने DIG और पुलिस कप्तान नवनीत भसीन से मामले को लेकर बातचीत की थी। उनका साफ तौर से कहना था, हमें शिकायत मिली थी, हमने शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। हमने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जिस तरीके से रीवा में इन दिनों दुष्कर्म जैसी घटनाएं एकाएक बढ़ गई हैं, ये प्रशासन के लिए काफ़ी चिंता का विषय भी हो सकता है। जहां एक और रीवा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण जैसे लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस तरीके की वारदात तमाम तरीके के सवालों को जन्म भी देती है, जैसा कि इस मामले में हुआ। बेहतर बात रही, युवती की शिकायत पर तत्काल ही पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। सुनिए DIG और पुलिस कप्तान रीवा नवनीत भसीन क्या कुछ कह रहे हैं। लौर थाना में एक युवती ने आके अपनी जब फरियाद बताई, तत्काल थाना प्रभारी ने एक्टिवली काम करते हुए महिला अधिकारी थी उनके साथ उनकी बैठा के उनकी वार्ता करा के उनकी अपराध पंजीबद्ध कराया और अपनी टीम को लेके आरोपी को तत्काल राउंडअप किया। आरोपी को अरेस्ट किया जाके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। आरोपी जेल जा चुका है, अभी विवेचना हमारी प्रारंभ है, जिसको हमारी पूरा फॉलोअप हमारे जो महिला सुरक्षा शाखा है द्वारा किया जा रहा है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।